गणपति पापा मोरिया, मैं जिस काम से जा रहा हूँ वो अच्छे से हो जाए, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे सुनो भाई, कहीं भी जाने पर नारियल चढ़ाकर पूजा करते हो, लगता है भगवान के बड़े भक्त हो। बहुत बड़ा भक्त हूँ सर, अभी उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह बहुत खतरनाक है। आप यहाँ नए नए इंस्पेक्टर आए हैं और मैं यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहा हूँ। कालिया राजन की सीमा पर आज तक किसी ने कदम नहीं रखा है सर, और आप हिम्मत दिखाकर जा रहे हैं। मैं भी उस जगह को देखने के लिए कालिया राजन के घर पहली बार जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर आए हैं। मिस्टर कालिया राजन। कालिया राजन, ये नाम दूसरे के मुंह से सुने हुए बहुत साल हो गए। मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ, और आप है कि जा रहे हो? उसी बात के लिए तो हम कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट? अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई और आप कोर्ट जा रहे हो? ए, जिस केस की FIR दर्ज होने के बाद कोर्ट में पेशी, ये सरकार का कानून है। सुनो, लेकिन सजा देने के बाद FIR और कोर्ट, ये कालिया राजन का कानून है। बात समझ में आई? We'll be right back.
कंप्लेंट करने वाले को बांध कर रखा हुआ है। चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। शट अप। इंस्पेक्टर, इसने मेरे पिताजी पर कंप्लेंट की थी। यस। क्या कंप्लेंट है बताइए। कालिया राजन इस गांव के सरपंच बने तब से कालिया राजन ने बहुत कुछ गलत काम किए हैं गांव के लिए। कुआं बनाने के लिए सरकार ने जो पैसे दिए थे उसी पैसों से शहर में दारू की दुकान खरीद के उससे पैसे कमा रहे हैं। गांव में कोई राशन की दुकान नहीं है। दाल चावल देखे सालों बीत गए, सब चीजें बाहर बेच देते हैं। दूसरों की जमीन जायदाद ये अपने नाम लिखवा लेते हैं। कालिया राजन के गुंडे गांव की किसी भी औरत या लड़की के साथ कुछ भी करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही गांव में पद्मा नाम की लड़की की इज्जत लूट ली थी। जब लड़की के माँ बाप ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उनका कत्ल कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी तकलीफें हम सह रहे हैं साहब। आप अच्छे आदमी हैं, ये सोचकर मैंने कंप्लेंट की थी। अगर आप इसे और इसके आदमियों को पकड़ कर कोर्ट में खड़ा कर देंगे तो ये पूरा गाँव हिम्मत उठाकर गवाही देगा। साहब, अगर आपने ये काम कर दिया तो भगवान आपका भला करेगा। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बारे में इसने कंप्लेंट लिखवाई है कि मैं कमीना हूँ, ऐसी स्टेटमेंट दी है इसने, पर ये झूठ है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने सही कहा है ना? देखो भाई, इसके कहने के मुताबिक मैं कमीना हूँ, कातिल हूँ और पूरे गाँव वालों को तकलीफ देता हूँ। अगर ये सच है तो पूरा गाँव यहाँ पर जमा है। इसमें से कोई भी गवाही दे दे तो मुझे अंदर कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना मिस्टर कालिया राजन, पर जो इल्जाम लगाए वो सच है गलत बताइए। बोलिए, अरे कोई तो बोलिए। आप लोग चुप क्यों हैं? बोलिए, कोई तो बोलिए। तुम लोग अभी भी डर के जी रहे हो। मैंने जो कंप्लेंट की है वो सब सच है। ये बात निडर होकर बता दो। सच बोलने से क्यों डर रही हो? आप सब चुप रहे तो मेरी बात झूठी साबित होगी। आप सबकी भलाई के लिए और गांव की खुशी के लिए बोलो, मेहरबानी करके कोई तो बोलो। अरे पागल, जब न्याय और सच्चाई हमारे साथ हैं तो गांव वाले तुम्हारा सपोर्ट क्यों करेंगे? इसलिए रामास्वामी, चने के झाड़ पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए। अब देखना चने का झाड़ कैसे गिर जाता है। देखना चाहते हो? क्या देख रहे हो भाई, ये बंदूक लेके तुमने तो फटाक से पटाखे की तरह चला दिया। इसी का नाम है कालिया राजन की कोर्ट। मैंने सही कहा ना, कालिया राजन के कानून का फैसला सुनाकर सजा देता है। तुम्हारे सरकारी कानून के मुताबिक FIR दर्ज करोगे। क्या करना है पता है? मरा हुआ रामास्वामी आतंकवादी था, शराब बेचता था और चंदन की स्मगलिंग करता था। मैं उसे पकड़ने गया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाई और वो मारा गया। तुम ऐसी FIR दर्ज करना और उस पर खुद साइन कर देना। क्या हुआ? चंदन के पेड़ जल्दी से भेजने हैं। पिताजी। अरे बेटी, क्या बात है प्रिया? मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। हमेशा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हाय प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भैया। क्या बेटी, मैं हर साल ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊं, लेकिन तुम हर साल ऐसा ही करती हो, सिर्फ आशीर्वाद लेके खुश हो जाती हो। पिताजी, मेरे बर्थडे पर MP आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, कलेक्टर आते हैं, बड़े ही धूमधाम से पार्टी होती है। पर ये अलग तरह से बर्थडे मनाती है, गरीब लोगों को अन्नदान करती है, वस्त्र दान करती है, ऐसी सोच है इसकी। पिताजी, आपको मेरी सोच पसंद आएगी पर इसकी सोच बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्यों बहना, मैंने सही कहा ना? ए, चुप हो जा। इसके जन्मदिन पर ये मुझसे जो मांगेगी मैं इसको वही दूंगा। तो मैं जो मांगूंगी आप वो देंगे पिताजी? हाँ, जरूर दूंगा। इन पीले कपड़े पहने हुए हमारे घर को घेरे हुए इन गुंडों को इस गांव से निकाल दीजिए पिताजी। आपका नाम लेते ही इस गांव के लोग डर जाते हैं पिताजी। इस गांव के लोगों के मन से उस डर को निकाल दीजिए पिताजी। कैसी बातें कर रही हो बेटी,
ये गुंडे ये अधिकारी किसके लिए जानती हो? तुम एक करोड़पति घर की बहू बनो और ये विधानसभा का मंत्री बने। कालिया राजन की परंपरा हमेशा राज करने की है। ऐसी जिंदगी जीने की आदत डाल लो बेटी, तुझे ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। ए, अपनी बहन को लेकर मंदिर जा। सुन लिया ना? चलो अभी मंदिर चलते हैं। ये लीजिए दादी, मैं जरा खेत में काम करने जा रही हूँ, घर आने तक मुझे देर हो जाएगी। मेरे आने तक मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें बस यही काम रह गया। तो चुप रह, मैं चलती हूँ दादी। वो काम पर जाती है तो रोज बच्ची देख कर जाती है, ये बात तुम्हें पता है। तुम जाकर पांडे से 10 रुपए वसूल करो। जाओ जाओ, रो मत बेटी, रो मत, मत रो, चुप हो जा। मुझे बताओ, गांव में आदमी औरत बुढ़ा बुढ़ी सबको शराब पीते देखा होगा, लेकिन छोटे बच्चे को कभी शराब पीते देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा। तो अब देख लेना। अरे नालायक, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। एक छोटी बच्ची को शराब पिलाओगे तो तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। तुम भी हमारे साथ तमाशा देख लो। दो दो। नहीं नहीं, ये छोटी बच्ची है, समझा करो। इस बच्ची ने क्या पाप किया है, इस बच्ची को छोड़ दो। अरे मैं क्या करूं, इस बच्ची को शराब पिला रही हूं। अरे पापियों, ऐसा मत करो, रहम करो इस छोटी बच्ची पर। हे भगवान, अब क्या होगा। में इतने लोग रहते हैं और इन कमीनों को ऐसा करने देते हो? हाथ पैर तोड़ देना चाहिए इनका। ये लोग कालिया राजन के आदमी हैं भाई। कलिंगा राजन के कोई सिंह है क्या? कैसी बात करते हो भाई, कालिया राजन का नाम सुनकर तो कलेक्टर भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अरे जिसका यहाँ पर राज चलता है उसका सामना हम कैसे करेंगे भाई? राज करने के लिए कोई पैदा नहीं होता, आप लोग उन्हें बनाते हैं। इलेक्शन में कितनी भी पार्टियां खड़ी हो, लेकिन जीतेगा वही जिसे आप चाहेंगे। फिर उस आदमी से क्यों डरते हैं आप लोग? क्या वो इस गांव का भगवान है? पैसा, पद, अधिकार, इन सबसे बड़ी इंसान की शक्ति होती है। अगर चार लोग साथ देते हैं तो इंसान रथ में जाता है, और वैसे ही चार लोग साथ देते हैं तो आदमी शमशान भी जाता है। किसे कहां भेजना है ये आपका काम है। भाई, तुम्हारी हिम्मत और साहस देखकर आज से हम तुम्हारा नाम राजा ठाकुर रखते हैं। मेरे भैया राजा भैया, जिंदाबाद। राजा ठाकुर जिंदाबाद। राजा ठाकुर जिंदाबाद। Thank you.
जिसकी मुस्कान फूलों के जैसी खिली, जिसकी खुशबू से महके गांवों की गली, जिसके हाथों में हम लोगों की जिंदगी, जो दुनिया को बांटने आया खुशी। प्यारा भाई हमें दिल से चाहे, हम सबकी खातिर दुआएं मांगे। प्यारा भाई हमें दिल से चाहे, हम सबकी खातिर दुआएं मांगे। जिसकी मुस्कान फूलों के जैसी खिली, जिसकी खुशबू से महके गांवों की गली, जिसकी मुस्कान फूलों के जैसी खिली, जिसकी खुशबू से महके गांवों की गली। करता है इससे वो डरता है, भाइयों का भाई राजा ठाकुर, राजा ठाकुर। चाल ढाल इसका बड़ा रोबदार है, बलियों में बलि महावीर, राजा ठाकुर। उससे बढ़ के कोई और कौन होगा, उससे बढ़ के कोई हमें प्यारा क्यों लगेगा। तू जो यहाँ हर कोई झूमने लगा है, तू है प्यारा राजा ठाकुर बोलने लगा है। जिसकी खुशबू से रहके गांवों की गली। कुर्बान जाते हैं हम सब ही तुम पर, ना जाने तुमसे क्या नाता, क्या नाता। वो हम सब दुआएं करे दिल से तुम्हारे लिए, रक्षा करे वो विधाता, वो विधाता। तुझको भला जैसी खिली, जिसकी खुशबू से महके गांवों की गली, जिसकी मुस्कान फूलों के जैसी खिली, जिसकी खुशबू से महके गांवों की गली। ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा? अभी क्या हो गया? अब क्या होना बाकी है? अपनी जमीन और जायदाद ना बेचनी पड़े, इसलिए दुश्मनों से दूर नहीं जा रहे और इसी गांव में जिंदगी काट रहे। लेकिन आपका छोटा पोता लगता है हमें जीने नहीं देगा। क्या कह रही हो? वो क्या है ना, राजा बचपन से ही ऐसे गुस्से वाला रहा है। कहीं जगहों पर बहस करके फालतू में झगड़ा कर लेता था, इसीलिए इसका पालन पोषण आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ा था। हां तो मैंने उसे पाला, उसमें क्या कमी है? वो तो सबको सामने दिख रहा है, मेरे भाई ने कालिया के आदमियों पर हाथ डाल दिया है। अब इसका अंत क्या होगा पता नहीं। अंत नहीं, ये शुरुआत है। कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो मेरा राजा ठाकुर उसका सामना करता है। दादाजी वो क्या, वो धर्म सत्य न्याय ईमान इन सब की बातें करने पर लोग हाथ बांधकर सुना करते थे। वो वक्त कुछ और था, पर आज के जमाने में लोगों पर हाथ उठाना पड़ता है तब लोग सुनते हैं। बेवकूफ, गांधी जी निहत्थे थे इसलिए उन्हें गोली मार दी गई। उस समय अगर उनके हाथ में AK-47 होता तो कोई गोली मारता, कोई पास जाता क्या? सोचो बेटा, तुम सब भूल गए क्या? भूल गए तुम सब? 20 साल पहले इस घर में क्या हुआ था वो सब भूल गए क्या?
अभी क्या कह रहा हूं, ये मेरा गुस्सा नहीं है। 20 सालों से मेरे दिल के अंदर जो ज्वालामुखी जल रही है उसी की तपिश है। तुम्हारा पति मर गया है तुम भूल गई होगी, और तुम अपने पिताजी की मौत भूल चुके होगे, पर मैं नहीं भूला। मैं अपने बेटे की मौत नहीं भूला, भूल नहीं पा रहा हूं और नहीं भूलूंगा। अगर मैं मर भी गया तो हवा में उड़ते वक्त मेरी राख भी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। दादाजी, जो मेरे पिताजी के साथ हुआ था उसे हम में से कोई भी नहीं भुला सकता, पर हम सब ने मिलकर ये बात राजा ठाकुर से छिपाई है। आप भी उसे ये बात मत बताइएगा। नहीं, तेरा दादा जो काम खत्म नहीं कर सकता उसकी शुरुआत ही नहीं करता है। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, मिस एंड मिसेस ऑर्टोंग, आप सभी लोग राइस मिल में काम करने के लिए इंटरव्यू देने आई हैं। थोड़ी देर में इंटरव्यू शुरू होने वाला है, उससे पहले अपनी ड्रेस सही कर लीजिए। वाह, सबने ड्रेस सही कर ली ना, तो लो सुपरवाइजर सुब्रमण्यम आ रहे हैं। पांडे, गांव की सारी कुंवारी लड़कियां आ गई हैं क्या? आ गई। सिलेक्शन शुरू करें शुरू क्या? कर सकते हैं। टेक इट। हाँ। अरे वाह, शुरुआत तो बहुत अच्छी लग रही है। नाम क्या है? पूनम है। वो क्या है ना पूनम, ये नाम बदल कर तुम नूतन रख लो। तुम ओके, यू आर सिलेक्टेड, यू गो नेक्स्ट। अरे वाह, नाम क्या है? रेनु। अरे वाह, नाम रेनु है। हाँ? तुम्हारी आंखों में नशा है। तुम्हारी उम्र 16 साल। अरे वाह, 16 साल की कली हो, आवाज भी कानों को अच्छी लगी, लड़की मस्त है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये भी है मस्त। डबल ओके, गो गो गो। तू पागल हो गया है क्या? इस फालतू औरत को लाइन में क्यों खड़ा किया है? दिखाई नहीं देता, वो पाउडर लगा कर आई है। पाउडर लगाने से सनी लियोन बन जाएगी क्या? नालायक कहीं का। तुम्हारा नाम क्या है? संगीता। अच्छा, सत्संग सुनने की उम्र में सनी लियोन बनी है। सुनो, एक मिनट में यहाँ से तुम चली जाओ, नहीं तो तुम्हें ऊपर भेज दूंगा। जाओ। ये देख, थोड़े से तेल टपक रहा है, देख। दोबारा ऐसा किया तो सोच लेना। देखिए ना, क्या देखूं? वहां देखिए। हाँ, देखता हूँ। ऐसा नहीं चाहिए, मुफ्त में। तुम मुफ्त में भी काम करोगी तो क्या सोच रही हो, मैं तुम्हें करने दूंगा क्या? तुम्हारे चुने से यहाँ के सारे चावल खराब हो जाएंगे। जाओ 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 जाओ। ए पांडे, तूने मुझे बेवकूफ बनाया भाई, ऐसी मस्त माल को यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? भाई, वो मेरा सेटअप है भाई। अबे कमीने, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। आपसे पूछना पड़ता ना। पूछना क्या है, तुम्हारी बात टाली है मैंने। सुनो, तुम सीधा जाओ, जाओ मेरे कमरे में आ जाना। ए, चल हट। हैं? ए, क्या है? ये तो फटे हुए नारियल की तरह है, इसका क्या करेंगे? बेचारी बुड्ढी है भाई, होकर का खाएगी। किसी भी तरह कोशिश करके काम चला लेना। डबल मीनिंग में बात कर रहा है क्या? पांडे, तू कभी ठीक काम करता है, कभी गलत काम करता है। इस बुड्ढी का क्या, मैं चार डालूंगा। चल चल जा जा जा, जा। यू आर अनसेलेक्टेड। हाँ। जा, यू आर सेलेक्टेड। चल चल भाग, कभी यहाँ पर मत आना। जा जा जा, आगे क्या है? अब अपना हिसाब हिसाब। यस, यू आर करेक्ट। यस। सुन पांडे, हाँ, तू आजकल लालसी हो गया है, कल ही उठाने के लिए कहा था ना, चल उठा। सुनो, उठाओ। क्या कर रहा है? लड़की को ना, मैं चावल उठाने की बात कर रहा हूँ, चल निकल यहाँ से। इसे उठाने के लिए मैं हूँ। अरे पांडे, देख कौन आया है, ये मेरा भांजा है। बता, तू कब आया? बाद में बताता हूँ। आपने काम देने से क्यों मना किया? रिकमेंडेशन, तुझे अपने पैरों से मैं जमीन पर गिरा दूंगा। मामा, राजा ठाकुर, तुम मिल के मालिक हो पर मैं सुपरवाइजर हूँ, किसको क्या काम देना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे इनके लिए कोई तो काम होगा,
कुछ तो करने दीजिए। अभी अभी एक ही काम बचा है। क्या काम? बैठकर खाना बनाना है, इसे अंदर भेजो, खाना पकवाओ। ये ऐसे ही बातें करेंगे, आप लोग कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, जाइए। राजा भैया की जय हो। इन औरतों का दिमाग बहुत चढ़ गया है, लात पड़ेगी तो समझ जाओगी, समझे? मामा ऐसा नहीं बोलते। उस आइटम को देखो। मामा मुझे क्यों दिखा रहे? भाई इनको तो शर्म आती है ना। है शर्म को तो काख में दबा कर चलते हैं। खैर इस आइटम को छोड़ो, जो आइटम अंदर है उसे देखे क्या? आइटम IR 16, IR 17, IR 20, IR 23। ये चावल के नाम है ना? और नहीं तो क्या? मुझसे मजाक नहीं मामा। चलो भांजे। अचानक गायब कहाँ हो गया? मैंने कल ही कहा था ये छोटा सा बकरा है, जल्दी मारकर मटन बनाकर खा लेना चाहिए। मामा आप भी ना, मैं ढूंढ रहा हूँ कि रामू कहाँ गया और आपको मटन खाने की चिंता हो रही है। बकरी का नाम रामू रखा है, तुम लोग भी ना। मामा क्या हुआ? लगता है इसके अंदर आवाज आ रही है। लेकिन रामू इसके अंदर गया कैसे? अरे कैसे भी गया हो, हमें उसे पकड़ना है। रुको भांजे, उठाने पर भाग जाएगा। मैं एक हाथ से उठाता हूँ, तुम एक हाथ से पकड़ना। भांजे तुम क्या कछुआ पकड़ रहे हो? पैर हाथ में नहीं आ रहे मामा। तुम कैसे भांजे हो यार, जो कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हो। भांजे पकड़ा कि नहीं? नीचे से हटा दो। पकड़ में आया? नहीं मिला। चल हट, मैं डालता हूँ। मिल गया, मिल गया। छोड़ना नहीं, पकड़ के रख जा। अरे तुम हो? अरे बाप रे, हाथ है या लोहा है? मामा इसने रामू को क्यों पकड़ा, पूछो। मेरे खेत में कोई घुसेगा तो सिर्फ पकड़ूंगी नहीं, उसे बांध कर भी रखूंगी। ओहो, तुम्हारे खेत में सांप घुस गया तो क्या करोगी? अगर तुम्हारा सांप होगा तो काट लूंगी। भांजे ये तो बहुत होशियार है। क्यों फालतू बात करते हो मामा, रामू को ले लो, रामू को ले लो, रामू को ले लो मामा। अरे रे 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 रे, इसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों, ये मुझसे बात नहीं कर सकता क्या? अरे रे रे रे, ये बहुत शर्माता है, ये लड़की देखकर भाग जाता है। फिल्म देखते वक्त अगर उसमें औरत नहाते हुए दिख गई तो अपना चेहरा रुमाल से ढक लेता है। ये कहानी किसी और को सुनाना, शक्ल तो देखो शर्माता है। खेत में जवान लड़की अकेली होगी इसलिए बकरी को छोड़ दिया ताकि ये भी अंदर आ सके, ये सब कुछ जानता है। भांजे ये तो ढेर श्याणी है। सच में ये बहुत शर्माता है। जब कल को इसकी शादी होगी और इसकी पत्नी इसके पास सोएगी तब क्या करेगा? मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ भी करूं, ये बोलने वाली कौन होती है? अगर मैं तुम्हारी पत्नी बन गई तो? इसमें लोचा है। तुम मेरी रिश्तेदार हो जो मैं तुमसे शादी करूंगा, जरा इसकी शक्ल तो देखो मामा। अरे जो देखता है देखने दो, तुम्हें नहीं देखना है ना? मैं नहीं देखूंगा। सुनो देवी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस बकरे को मुझे दे दो। ठीक है दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त। क्या है? मुझसे वादा करना होगा। क्या?
नहाते वक्त, सोते वक्त, खाते वक्त, ये कभी भी मुझे याद नहीं करता। इसको यही काम बचा है क्या भांजे? तू नहाते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त इसे याद करेगा? नहीं याद करूंगा। तो देखेगा? नहीं देखूंगा। फिर क्या भांजे, जैसे शराब पीने के बाद बोतल फेंक देते हैं वैसे ही तुम भी वादा करके यहाँ से निकल लो। क्या बोलते हो मामा? अरे मैं सही कह रहा हूँ, हाथ आगे बढ़ा। भांजे वादा कर, क्या सोच रहा है? नहाते समय, खाते समय, सोते समय तुम्हें कभी याद नहीं करूंगा। ये लो, चलो भांजे। राजा तू कैसे मुझे याद नहीं करेगा, देखती हूँ। सुनो भांजे। क्या बात है मामा? कमाल है यार, भूख लग रही है, चल जल्दी खाना खाते हैं। मैंने अभी तक नहाया नहीं मामा। फटाफट एक लोटा पानी डालकर जल्दी से नहा ले। छे, नहाना किसने सिखाया, उसे ढूंढ कर मारना चाहिए, समय बर्बाद होता है। मामा क्या भांजे? वो दिखाई दे रहे मामा। कौन भांजे? वो कौन? अरे वही, वो प्रिया, 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 प्रिया। हाँ। वो इसमें दिखाई दे रही है? मुझे दिख रही है। अच्छा मैं देखता हूँ। मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ। अभी भी दिखाई दे रही मामा। एक मिनट। हाँ। अब देख, दिखाई नहीं देगी। दिखाई तो दे रही है मामा। एक मिनट भांजे। हाँ। अब मैंने इसे उल्टा कर दिया, अब दिखाई नहीं देगी। मामा, मामा, वो वहाँ पे भी दिखाई दे रहे मामा। ए, उसे कह दो, नहीं तो मैं लात मारूंगा। तू याद नहीं करेगा तो कैसे दिखेगी? नहीं याद नहीं किया। तुम्हारा दिल उसे याद कर रहा है, उसने कहा था नहाते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त याद मत करना। फिर क्यों याद कर रहे हो? मैंने बिल्कुल याद नहीं किया मामा, फिर भी वो आ रही है। उस रूम में जाकर चुल्लू भर पानी से मुंह धो लो। मैंने वादा किया था कि उसे नहाते वक्त याद नहीं करूंगा। तो मत नहाना। ये कैसे होगा मामा, बिना नहाए खाना कैसे खाऊंगा मैं? अरे शेर, चीता, हाथी, ये सब कभी नहाते हैं क्या? वो सब तो जानवर है ना मामा। हाथ नीचे कर दे तो हम भी वही है भांजे। चल। ये भी सही है भांजे, गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं, बैठ जा। ये क्या जैसे भिखारी को खाना परोस रही हो? हाँ और डालो। हाँ वड़ा डालो। वाह वाह वाह, इडली कहाँ है? पहले उसे देना था ना। क्यों भांजे, क्या हुआ, हाथ क्यों पकड़ लिया? ये पूरी है ना? हाँ हाँ पूरी ही है। जरा मेरी पूरी देखो। तेरी पूरी में क्या है? वो प्रिया, 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 प्रिया? ये प्रिया कौन है देवर जी? प्रिया का मतलब ये होता है कि प्रेम से हम नाश्ता करेंगे, एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। और सुनो, तुम जाकर डोसा लेके आओ। क्या डोसा? अरे वही जो आटे से बनाते हैं। डोसा? अरे खैर छोड़ो, जो भी है लेकर के आओ। भांजे तू परेशान क्यों कर रहा है? मैं क्या करूं मामा, वो यहाँ भी आ गई। कहाँ आ गई? इस पूरी में। इस पूरी में आ गई? हाँ। अभी नहीं दिखेगी मामा, इस थाली में भी आ गई। थाली में आ गई? मामा मेरी पूरी ले ली, मेरी थाली भी नीचे फेंक दी, मैं खाऊंगा क्या? तू कुछ मत खा, खाते वक्त याद क्यों कर रहा है? मैं कहाँ कर रहा हूँ, वही आकर के मुझे तंग कर रही है। तो मैं क्या करूँ, कम से कम मुझे तो आराम से खाने दे। मामा मैं भूखा रहा हूँ और तुम खाना खा रहे हो, ये अच्छा है क्या? कैसे मामा हो तुम? मैं बताऊँ क्या सही है क्या गलत है? एक मिनट हाथ हटा, मैं सड़क पर बैठ कर खाता हूँ। क्यों आई हो? मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा राजा? लेकिन इतनी रात में यहाँ पे तुम अकेले हो ना,
इसलिए साथ में सोने के लिए आई हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के के साथ सोने की बात कर रही हो? ये कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकती? ये क्या मुसीबत है? देखो तुम चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो दूर से बात करो। देखो मुझे ऐसा पसंद नहीं है। जा नहीं जाऊंगी। देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ठीक नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? मामा आप हैं? हाँ मैं हूँ। अभी तक तो उससे बात कर रहा था। किससे कर रहा था? और किससे? प्रिया से? फिर शुरू हो गया। मुझे क्यों परेशान कर रहा है? ये कैसा है पता है? जैसे वह दवा देकर कहता है कि बंदर के बारे में मत सोचना, वैसे ही उसने कह दिया कि याद मत करना, मगर तुम उसे याद कर रहे हो। आप ये जानते थे फिर भी आपने मुझे फंसा दिया। उससे वादा करके मैं नहा नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। तुम तो कलयुग के हरिश्चंद्र हो। चिंता मत करो, उसे ढूंढ कर उसे दिया हुआ वादा वापस ले लेंगे। ये कोई कर्जा है जो वापस लेंगे? अरे जैसे बैंक में लोन लेते हैं वैसे ही वादा भी है। कहाँ जाएगी? उसे ढूंढ कर वादा वापस ले लेंगे। चलो सुनो, ये घास वहाँ रख दो और गाय को उस तरफ बांध दो। क्या है देवी? देवी इस बेचारे की शक्ल देखो, इसे नहाए हुए 3 दिन हो गए, सोए हुए 3 दिन हो गए, खाना खाए 3 दिन हो गए, तुम्हारी यादों में खोया हुआ है। ये क्यों मुझे याद कर रहा था? उस दिन तो रुबाब से बोल रहा था कि तुम कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो, वो सब झूठ था क्या? झूठ हो या सच हो, इस बेचारे ने तो अनजाने में वादा कर लिया था, मगर अब इसे तुम माफ कर दो और वादा वापस करो। क्या कहा? वादा कभी वापस होता है क्या? ये सब मैं नहीं करने वाली, उसके लिए किसी और के पास जाओ। देवी देवी इसे खाए हुए 3 दिन हो गए। देवी देवी ये तुम्हें नहीं भुला पा रहा है। देवी 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 चलो हटो, कैसे इंसान हो समझ में नहीं आता है क्या? है ये क्या है? कब तक इसके पीछे घूमते रहेगा? मैं अब इससे बात नहीं करूंगा। चलो यहाँ चलते हैं। मामा खाना खाए 3 दिन हो गए। मुझे पता है, नहाए हुए भी 3 दिन हो गए। तेरी हालत देखकर फिर से बात करता हूँ। 3 दिन में बहुत बदबू आ रही है, अगर 30 दिन हो गया तो गांव के लोग भगा देंगे। देवी अच्छी तरह से सोचो, हम किराने की दुकान में सामान वापस करते हैं ना, हम मेडिकल से दवा लेते हैं ना, अगर वो काम नहीं कर रही है तो वापस करते हैं ना, उसी तरह तुम भी दया करके वादा वापस कर लो। ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो मैं अपना वादा वापस ले दूं। भांजे आगे हाथ बढ़ाओ। लेकिन उसके बदले दूसरा वादा करना पड़ेगा। अरे छे तुम क्या सती सावित्री हो जो वादे के पीछे पड़ी हुई हो? वो क्या वादा है? बताती हूँ, बहुत आसान है। तुम मुझसे प्यार करते हो ये वादा करना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप नहीं उसे करो। वादा करो भांजे। मामा पहले से ही एक वादा करके मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ, ऊपर से आप एक और वादा करने के लिए बोल रहे हैं। सुनो भांजे, इंसान के लिए नहाना खाना और सोना ये तीनों बहुत जरूरी है। ये तीनों तुम्हारी जिंदगी में रहे इसलिए वादा कर। चल वादा कर। फिर से फंस गया तू? वापस कर देंगे। कहीं फंस गया तू? फिर वापस कर देंगे। मेरे होते हुए तुम चिंता मत करो, हाथ आगे बढ़ाओ। चल आगे बढ़ा, जैसा कहूँगा वैसा करना। मैं तुझे सच में प्यार करता हूँ। प्यार करता हूं। हो गया, अब मैं चलती हूँ। देवी ये तुम्हारी श्यान पट्टी मुझसे नहीं चलेगी, मैं भी डेढ़ श्याणा हूँ समझी। इसका दिया हुआ वादा वापस करके जाओ, जल्दी से वादा वापस करो। आज से तुम खाना खा सकते हो, सो सकते हो और नहा सकते हो। जो मैंने तुमसे वादा किया था वो वापस लेती हूँ। चल भांजे, एक बड़े से टब में तुझे परफ्यूम डालकर नहलाऊंगा। चल भांजे जल्दी चल। राजा ठाकुर तुम चिंता मत करो, इस तरह के कामों में तुम्हारा मामा सुपरवाइजर सुब्रमण्यम नालायक है। हाँ इस तरह के कामों के लिए मेरे से पूछो, बस 3 दिन में शर्म चली जाएगी और प्रिया से फ्रीली प्यार हो जाएगा। अच्छी तरह से समझाना। ये किसके लिए लेके आया हूँ? उसी के लिए। इसमें गाना बजेगा, मैं करूँगा, तुम भी मेरे साथ करो, फिर देखना प्यार कैसे बरसेगा। हाँ मानती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती, पार्षल में छुट्टी हो गई, बसता क्यों नहीं मानती, बसता क्यों नहीं मानती। मामा गए। ए, पैर ऊपर उठा। ये क्या सनी लियोन का पैर है?
तेरा पैर तो ऐसे लग रहा है जैसे 10 दिनों तक तवा पे रख के अच्छी तरह से जलाया गया हो। अरे मैं राजा ठाकुर को प्यार सिखा रहा था लेकिन आपने मूड खराब कर दिया। बस कर, जब लड़की के कहने से इसे प्यार नहीं हुआ तो तुम्हारे और मेरे कहने से क्या प्यार करेगा। सुनो राजा ठाकुर, तुम प्रिया से प्यार करते हो? वो क्या है कि चल बता। हाँ मामा, प्रिया से प्यार करता हूँ। प्यार में पागल हो गया? अबे नहीं समझेगा, और मैं भी समझाऊंगा तो भी नहीं समझेगा। वहाँ जाएगा तभी समझेगा और 64 कलाएं भी सीख जाएगा। बड़े बड़े राजाओं को भी वहाँ जाकर प्यार हो जाता था, समझे? फिर भी नहीं हुआ तो हो जाएगा, होके रहेगा। इससे भी नहीं हुआ तो सीधा समंदर में कूद कर तैरते हुए बाहर निकल जाना। वहां जाने से क्या होगा? पॉपलेट मछली मिलेगी, पकड़ के खा लेना। मामा। भाई समझ में नहीं आ रहा, कोई अलग रास्ते से ले जा रहे हो? भाई इसको जल्दी से पानी में डाल। अरे नहीं यार तुम चलो भाई। अरे भाई चलो। भाई वो लड़की कौन है, कैसी दिखती है, कुछ तो बताओ ना। सुन, उसका शरीर हाँ रोम, हाँ उसकी आईज हाँ अमेरिका, हाँ उसकी कमर हाँ इटली, उसकी गर्दन हाँ कनाडा, और रंग मेरे रंग जैसी होगी। अबे मोटी नीचे फेंक दूंगा, खबरदार। तेरे जैसा रंग देखने के लिए नदी पार करके जाएंगे, पागल कहीं का। वो ट्यूबलाइट की तरह है, हैं? भांजे तुम उसको एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, वो बिल्कुल अप्सरा की तरह है। सुनो भांजे, जो हम देख रहे हैं वो रामपुर की रानी का घर है। सुंदर है, अंदर जाने पर और सुंदर लगेगा, होश उड़ जाएंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अंदर जाने पर शर्म चली जाएगी ना? सारे शर्म छू मंतर हो जाएंगे। हाँ। अरे जल्दी उस किनारे पे लगा, उतर। मामा जरा संभल के उतरिएगा, नहीं तो पैर फिसल जाएगा। हाँ हाँ, मैं संभलता। यहाँ कदम रखने पर साधु लोग भी प्यार करने लगते हैं। आओ जल्दी आओ। अरे जरा रुको मामा, चप्पल पहन। अरे 20 रुपए के चप्पल को मारो गोली, वहाँ देखो। अरे कुत्ता। कहाँ है कुत्ता, चप्पल से मारूंगा। ये तुझे कुत्ता दिखता है? हिरन है, भागो भागो भागो। बाबा 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 बाबा, प्रेम नगर की रानी तो सच में कमाल की है। मारूंगा तो गायब हो जाएगा, ये रानी नहीं नौकरानी है। छू सकते हैं क्या? छू मत, यहाँ सब काम के पैसे लगते हैं। मेरे पास चल ऊपर जा, फूल बरसाओ। आओ भंजे, आओ भंजे, आ जाओ आ जाओ, स्वागत है, आ जाओ भंजे। मार के भगा दिया। फिर क्या, नौकर की तरह जाएगा तो मार के भगाएंगे ना। पैसे वाला बाहर खड़ा है और तू पहले जाएगा तो थोड़ी छोड़ेंगे। गमछा उतार, फेंक इसको, फेंक इसको। अंदर आइए भंजे, देखी ना हमारी इज्जत। ए, वापस मार खाएगा क्या? आओ भांजे। ये किसी भी गांव की हो, किसी भी जगह की हो, इस तरह खड़े होकर लोगों को नशा दिला रही है। इसने पहले पता नहीं कितनों को डुबाया होगा और इसके बाद ये कितने लोगों को डुबाएगी। आराम से। नमस्ते। नमस्ते। अबे देख नहीं रहा, मैं रानी को नमस्ते कर रहा हूँ। आप नीचे क्या कहते हैं? भांजे रानी को देखो, शर्म आ रही है। भांजे देखना, इसकी आंखें मुझे सही नहीं लग रही है। ए, नजर भी सही है, सब कुछ सही है, शर्म निकालनी है ना? हाँ निकालनी है। तो फिर उधर देख, देख ना। देखा रानी? हाँ। ये हमारा भांजा, अभी तक इसकी अच्छी परवरिश हुई है, ये लड़कियों को देखकर उनसे दूर भागता है। इसकी शर्म दूर करनी आपकी जिम्मेदारी है, आप इसकी शर्म दूर कर दीजिए। ये लीजिए, इसको आपके हवाले करता हूँ। आप इनके बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। इसलिए तो यहाँ पर लाए हैं। ए, चलो चलो, अभी रुको ना।
हाँ भाई यहीं रहकर देखेंगे। यहीं पर रहकर देखेगा, ये कोई फिल्म या ड्रामा है क्या? चल निकल चल। मामा मामा अरे रुके ना। ए शर्म आ रही मुझे। किताब खुलेगी तभी तो पढ़ सकते हैं। शर्ट उतारोगे तभी तो तुम्हारी शर्म जाएगी। छोड़ो मुझे, ये सब नहीं करना मुझे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ। एक बात बोलूं, आपसे पहले इतने लोगों को देखा पर आप जैसा कोई नहीं देखा। आओ ना, आओ ना। अरे 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 मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो। किसी को भी छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
मेरे मामा मुझे शर्म भगाने के लिए लाए थे। तुम नाच रही थी गा रही थी तो मैंने देखा, अब तो मेरा शर्ट निकाल रही हो, कपड़े निकाल रही हो। तुम तो बड़ी गंदी लड़की लग रही हो। माता जी मुझे जाने दीजिए। माता जी देखिए, नहीं नहीं हाथ मत लगाइएगा प्लीज। तू हमेशा बीच में टांग अड़ाता है मामा। अजय मजा आया ना? क्या मामा, ये तो बड़ी गंदी लड़की है। तो क्या तुझे चरित्रवान लड़की चाहिए? हाँ भी मामा, ये मेरे कपड़े निकाल रही है। तो क्या वो तेरे कपड़े नहीं निकालेगी तो और निकालेगी? तभी तो तेरी शर्म जाएगी। वो बात नहीं मामा, वो उसके लिए बुला रही है, उसके लिए बुला रही है। मुझे एक मौका मिल जाए भांजे, वो ये सब करेगी तभी तो शर्म जाएगी। अरे मामा मुझे पता है क्या, ये सब शादी के बाद पत्नी के साथ किया जाता है। मुझे शर्म और नहीं हटानी है। माता जी आप ही संभाले। Hey, next meeting again. भाई क्या है? मेरे लिए कुछ रिकमेंडेशन कर दो ना। किस लिए? मेरा आखिरी वक्त यहीं पर बीत जाएगा भाई। कैसे बीतेगा? यहाँ बर्तन धोते हुए। This man, are you like it? Reject. क्या भाई? You are reject. तू बेटी बेटी, तू मुझे छोड़कर क्यों चले गई? इतनी जल्दी क्यों चले गई बेटी? मेरी बेटी, प्यारी बेटी, तू इतनी जल्दी छोड़कर मुझे कहाँ चले गई? मैं क्या करूँ हे भगवान? अरे भाई क्या करूं बेटा, तेरी बहन छोड़कर चली गई। ये तुम क्या कर रही हो काकी? बेटा मेरी बेटी पूनम ने उस काले राजन के आदमी पर भरोसा किया था, पर उसने धोखा दे दिया। वो पापी नागराज पूनम को माँ बनाकर दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। मेरी बेटी उसके पैर पकड़कर बहुत गिड़गिड़ाई पर उसने लात मार दी। तुम्हारी बहन ये सब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। अब मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगी? मैंने अपनी बेटी के लिए क्या क्या सपने देखे थे कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से कराऊंगी, अब मैं क्या करूँ? मेरी बेटी तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया? क्यों रे, इसने तुझसे भरोसा किया और तूने इसकी इज्जत लूटी और दूसरी शादी कर रहा है? तेरी तो क्यों रे, शादी के घर में लाश लाकर लफड़ा कर रहा है? ये कालिया राजन के खास आदमी की शादी है, ये समझ लेना। शादी किसी की हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूनम को इंसाफ दिलाए बिना मैं यहाँ से नहीं चाहूंगा। अरे चुप हो जा तू, इस लड़की से तेरा क्या रिश्ता है, क्यों तरफदारी कर रहा है? ये लड़की तो अनाथ है, इस लड़की को न्याय दिलाने वाला तू कौन है? ए, अनाथ लड़की किसको बोला रे? ये मेरी बहन थी, समझा? ए, हाथ हटा, क्या करना चाहता है? ये शादी नहीं होगी। शादी होगी तो क्या करेगा? तो शादी का घर मातम में बदल जाएगा। हमें धमकी देगा? यहाँ कालिया राजन का राज चलता है। अब ये राजा ठाकुर उसके राज को खत्म कर। अरे तू जा रहे, ए तू मंगलसूत्र पहना। पवित्र और बेदाग रहना चाहती है। जिस पूनम ने तेरी वजह से आत्महत्या की है उसके पेट में तेरा ही बच्चा पल रहा था, समझा? सारे गांव वालों को यह सच्चाई पता चलनी चाहिए। मेरी बहन शमशान घाट
मंगल सूत्र पहन कर जाएंगे। चल पहना। उस लाश को मंगलसूत्र पहनवाकर इसका मुंडन कर दिया। ये बेइज्जती सिर्फ नागराज की नहीं है, हमारी भी है। अपनी कमाई का हिसाब तो हम एक हफ्ते बाद भी देख सकते हैं, पर अपनी बेइज्जती का हिसाब हमें उसी दिन देखना चाहिए। क्यों नागराज, सही कहा ना? हाँ भाई। नागराज, एक लड़की से शादी करने वाला पति बनता है, पर एक मुर्दा से शादी करने वाला भी मुर्दा होना चाहिए ना? पिताजी, आपने नागराज को क्यों गोली मार? जब तक ये जिंदा रहता, लोग ये कह के मजाक उड़ाते कि वो देखो, वो कालिया राजन का आदमी जा रहा है। और ये मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा मजाक उड़ाए, इसलिए मैंने इसे गोली मार दी। मैंने सही किया ना? मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी करो, पर एक हफ्ते के अंदर राजा ठाकुर की मौत हो जानी चाहिए। ए, मैं भी आऊँ क्या? पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। मुझसे प्यार करते हो ऐसा तुमने वादा किया था, और अनजान बन रहे हो। आ, अरे उसके लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जल्दी आऊँगा। ट्रेनिंग? अपने खेत में काम नहीं करोगे और दूसरों के खेत में जाके ट्रेनिंग लोगे? एक बात सुन लो राजा, इसके लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइसेंस, हाईवे रनिंग, समझे? हाँ सब जानता हूँ, तुम जाके अपना काम करो, जाओ। अभी आती हूँ। अब तो तू फंस गया। देखो ऐसा करने से मुझे गुदगुदी होती है, समझ गए कि नहीं? अच्छा गुदगुदी होती है, अगर मैं तुम्हारी पेट दबाऊंगी तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, चल निकल। सुनो, तुम वादा करके मुकर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ जा, संभल के जा, सांप काट लेगा। प्यार सिखाएगी मुझे पगली। Thank you.
तुझे छूकर सांसें रुक जाती, लगता है ऐसा शुभ घड़ी। ऐसी कौन सी बड़ी गलती की है? अरे जनवरी में ठंड पड़ती है, जून में बारिश होती है, जवान लड़की तो प्यार करेगी ना, जैसे जैसे मौसम बदलेगा प्यार तो बढ़ता ही जाएगा ना। बेटी की चाहत पूरी करना माँ बाप का फर्ज होता है। अरे तू क्यों रो रही है बेटी? सुन, अभी तक मेरी बेटी ने अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मांगी, पहली बार इसने कुछ चाहा है, तू इस पे क्यों नाराज हो रहा है? रो मत बेटी, तू चाहती है तो तेरी शादी मैं उस राजा ठाकुर से ही करवाऊंगा, जो हुआ तू भूल जा। क्या है पिताजी, आपने कहा था राजा ठाकुर को मार देना है और अब प्रिया की शादी उसी से करने जा रहे हैं। अब आप बताइए, उसे मारना है कि प्रिया की शादी उससे करानी है? दोनों होगा, उसकी मौत भी होगी और मेरी बेटी की शादी भी। देखता जा, तू अपनी प्रिया को नहीं जानता। जैसे पाले हुए तोते के मरने पर बहुत दुख होता है, उसी तरह लड़की का प्रेमी अगर मर जाए तो वो चुप रहेगी क्या, खुदकुशी कर लेगी? क्या कह रहे हैं पिताजी? पहले हम प्रिया की शादी एमपी के बेटे से करवाएंगे, उसके बाद राजा ठाकुर को मार देंगे। सही कहा ना मैंने? समझ गया तो ठीक है। कल एमपी के लड़के से अपनी प्रिया की शादी होगी, इसी मंडप में होगी। यहाँ 100 पुलिस वाले होंगे। इस मंडप को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेरा होगा। ये प्रिया का रूम है, इस तरफ से हम अंदर जाएंगे। एक बात बता, इस शादी के मंडप में हम कैसे पहुँचेंगे, प्रिया की शादी कैसे रोकेंगे, ऐसा कोई आइडिया दे। मुझे तो ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा। तेरे मैं किस लिए बनाया? तू क्या मैकेनाइज्ड गोल्ड का हीरो है, वो घोड़े से जाकर सोना निकालेगा? ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो एक ही काम करूंगा, हाथ में डंडा लेकर के जाऊंगा और सबको मारूंगा। प्रिया को वहाँ से उठा कर लाऊंगा और उससे मंदिर में शादी कर लूंगा बस। वहाँ खड़े पुलिस वाले चूड़ी नहीं पहन रखे हैं, सबके हाथ में मशीन गन है, गोली चलाएंगे तो तू गया काम से। तो इस मंडप में कैसे जाना है, प्रिया से शादी कैसे करनी है, ऐसा आइडिया दो। सुनो भांजे, कल
कालिया राजन की बुक की हुई जगह पे उसी के बनाए हुए शादी के मंडप में उसी की बेटी प्रिया से तेरी शादी उसी मुहूर्त पर मैं करवा दूंगा। ये कैसे होगा मामा? आइडिया है मेरे पास, सुन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। रोको रोको अम्बेसडर कार, रोको अम्बेसडर कार, रोको अम्बेसडर कार, रोको। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। स्वामी आप कौन हैं और गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? क्षमा महोदय, क्षमा महोदय, कालिया राजन के घर शादी में जा रहा था, बस मिस हो गई। अगर वहाँ तक के लिए लिफ्ट देंगे तो एहसान होगा। अरे हम भी उसी शादी में जा रहे हैं, फिर इसमें एहसान की कौन सी बात है भाई? अपनी गाड़ी समझकर इसके अंदर बैठ जाइए, चलिए हम लोग फिर शादी में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। थोड़ा रुकिए, मामी को आजाने दो। वाह, मामी को भी साथ लाए? हाँ। किधर है वो? सुनिए, वो हमेशा चूड़ीदार पहनती हैं। आज शादी में जाने के लिए वो साड़ी पहनना चाहती हैं। साड़ी पहन ली है पर बराबर नहीं है, थोड़ा ठीक कर रही हैं। तैयार हो गई ना? मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट आ जाओ। ऐसे क्यों घूर रहे हो? साड़ी सही कर दी गई थी, ऐसी क्या जल्दी थी? ये मेरी पत्नी है, इसका बाप पहलवान था। वो तो इनके हाथ से पता चल रहा है। आप लड़की के रिश्तेदार हैं या लड़के के? कैसा सवाल करते हैं, हम लड़के के रिश्तेदार हैं। शादी वाली लड़की मेरी पत्नी की खास सहेली है। प्यारी मामी से मिलके मैं भी इनकी खास सहेली बनना चाहती हूँ। हाँ, लग रही है। अरे चलिए गाड़ी में बैठिए अंदर। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो स्वामी, अच्छे से दोस्ती करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सुनो भगवान, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, दोस्ती करो, दोस्ती करो। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। अंदर बैठो, बैठो। चलिए जी, आराम से आराम से। एमपी के आने का समय हो चुका है, किसी पर शक हो तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना। सो हाँ, क्यों भाई, सिक्योरिटी सही है ना? जी हाँ। अब तुम लोग चारों तरफ चौकनी नजर रखना, बी अलर्ट, समझ गए ना? अब तुम अंदर जाओ सर। और तुम राउंड मारते रहो, सबके सब एक्टिव रहने चाहिए, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो आई विल टेक सीवर एक्शन। भगवान जल्दी आओ। आती हूँ आती हूँ। पुलिस का इंतजाम कुछ ज्यादा ही है, अगर पकड़े गए तो कीमा बना देंगे। रुकिए, हमारा है, अपने घर की शादी है ना। Excuse me? अरे भगवान, ये पीछे से कौन आवाज लगाता है? ये रुमाल आपका है क्या? अरे भाई ये क्या सोना है जो पीछे पीछे आ रहे हो, ले लो भगवान। क्या, चलो भगवान। दूल्हे का बाप नहीं आया अभी तक। नमस्ते, नमस्ते। आप कौन है? क्या पूछ रहे हैं? क्या है भगवान? लड़के के रिश्तेदार है। हैं? ये कैसा सवाल है? दूल्हे के बाप को एमपी के इलेक्शन में खड़े होने के लिए मैंने रिकमेंड किया था। आपको समझा रहे हैं, आपका बेटा ना समझ है। मैं पंडित परिवार से हूँ, क्या आप मुझे गुंडा समझते हो? चलो चलिए। जरा रुकिए, गाड़ी में बैठते वक्त आपने कहा था लड़की के रिश्तेदार है, पर यहाँ कह रहे हैं लड़के के रिश्तेदार है, ये सब क्या है? इसमें गलत क्या है? लड़की वाले भी मेरे रिश्तेदार हैं। महोदय, दूल्हा दुल्हन के घर वाले मिलेंगे तभी शादी होगी। ये आप नहीं जानते क्या जो फालतू सवाल कर रहे हैं? इसलिए शादी में आओ तो चाकू लेकर आना चाहिए। लोग फालतू सवाल करते हैं, चाकू मार दूंगा, काट दूंगा सबको, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। अरे तुम अंदर चलो ना। सब ठीक है ना? एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग ओके। मुझे एक बात बताइए। आप पूछिए। अरे क्या पूछूं? आपको जनेऊ लेफ्ट साइड में पहनना चाहिए था, लेकिन आपने राइट साइड में पहन रखा है, पूरा का पूरा अमंगल कर रहे हैं। महोदय सुनिए, शादी और मैया एक ही दिन में नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही दिन होने से मैं कंफ्यूज होकर ऐसे ही आ गया। क्या गलत है, ये इस कंधे पर है, इसे उस कंधे पर डाल ले तो ठीक रहेगा ना, अगर दीवार पर लटका दे तो ठीक है ना पंडित जी? अरे वो बात नहीं। फिर क्या बात है, फालतू बातें कर रहे हो, रसोई में जाकर जली हुई लकड़ी मुँह में डाल दूंगा। अरे ये झोपड़पट्टी के गुंडों की तरह बात कर रहे हो। मामी
अरे शादी के लिए बहुत सारे आदमी आए हैं। शादी में लोग नहीं तो क्या जानवर आएंगे? बोलो। मैं आपसे बात नहीं करूंगा स्वामी, मैं लोगों से मिलकर आता हूँ। आप मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। ये तो सोने की बनी है, चोर आके चुरा लेगा। तुम्हारा नाम क्या है? पल्लवी। पलम होता तो खा सकते थे ना। हाँ जी, आइए आइए ना। सुनिए। चुप ना। सुनिए ना। क्यों बार बार खुजा रही हो? वो आ रही है। हाँ तो फिर? वो आ रही है। तो क्या करूँ मैं? ये आ रही है। सब उधर बैठे हैं, चुपचाप इधर ही बैठे बैठे कर लो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे रे, कैसी पत्नी हो, ये सब पति से थोड़ी ही पूछे। तुम्हें बाथरूम जाना है ना, मुझे भी जाना है। चलो हम दोनों साथ होकर आते। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाना? मुझसे कैसी शर्म? सुनिए, मस्त रहो, चलो ना। मामी, तुम्हें बाथरूम नहीं जाना है क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे भी जाना है। तुम्हारे पास बैठकर गलती की मैंने। वहाँ बैठने पर भी दिखेगा। स्वामी, लो आ गया सवाल की मशीन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी धर्म पत्नी कहाँ गई? तुम्हारी पत्नी और मेरी पत्नी साथ में बाथरूम गई है। इसमें कोई गलत है क्या? वो दोनों साथ गई तो फिर गलत क्या होगा स्वामी? इसी तरह लोग समझदार हो तो किसी परिवार में समस्या खड़ी नहीं होगी, पर बच्चे की शक्ल शायद थोड़ी अलग हो जाए। तुम बाथरूम जाती हो तो क्या पति को लेकर जाती हो? चलो बैठो। क्यों जी, ओके आ गई बाथरूम। मामी क्यों अजीब सी लग रही हैं? कुछ नहीं, बाथरूम जाने के लिए कहा था, जाके आ गए बस। तुमने कैसे संभाला? मैंने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कर लिया? वो क्या है ना, नई जगह है ना, एक दो शादी और अटेंड करेगी तो सही हो जाएगी। क्यों भगवान? एमपी महोदय आ गए। मुहूर्त का समय है, कन्या को बुलाइए। मामा, मामी, जरा आकर देख लीजिएगा कि दहेज का सामान ठीक तो है ना। हम क्या देखेंगे? इन्हें ले जाइए, अच्छी तरह से स्वामी, देखेंगे। मामी अति सुंदर हैं, खूबसूरत भी हैं। अगर ये प्यार से बुला रहे हैं तो इनको ले जाइए ना स्वामी। मुझे आपकी एक बात बिल्कुल समझ में आ गई। क्या? आपकी गाड़ी में आकर गलती कर दी मैंने। चलिए ना। आता हूँ भाई। चलिए चलिए चलिए। चलो भगवान। आइए, आप भी आइए। सोना चांदी सब रखा है ना? बहुत सा है, अंदर आकर देखो। आइए देखिए। बस यही दहेज? अरे नहीं, और दहेज चाहिए। हाँ? पहले मैं बहन की शादी निपटाता हूँ, उसके बाद तुमसे निपटता हूँ। अगर मुझे मंगलसूत्र पहना है ना तो गोली मार दूंगी, गोली। चलो उठ रहे, चल। आप सब लोग हाथ ऊपर करो। पिताजी, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, हाथ ऊपर कीजिए। Hey!
पिस्तौल इधर दो। कोई हिलना नहीं। सुनिए, ये मामी आदमी कैसे बन गई? तुम क्यों उसकी चिंता करती हो? क्या है ना जी, सब गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे तुम क्या कह रही हो? आदमी के साथ में बाथरूम जा के मुझे पता भी नहीं चला। सुमित्रा, इस बात को मेरे अलावा किसी और से मत बताना, किसी को भी नहीं। जलहर निकाल। ए, मंगलसूत्र दे। बजा 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 बजा। पहना दे भांजे। सभी लोग फूल बरसा के आशीर्वाद दो, समझे? स्टॉप। एमपी, शादी हो गई, अब दूल्हा दुल्हन को पार्लियामेंट में देखना। चलो भांजे। क्यों प्रिया, स्वागत करने के लिए कोई नहीं है ऐसा तो नहीं सोच रही हो तुम? ये सब अचानक हुआ इसलिए कोई नहीं आया, लेकिन आशीर्वाद जरूर मिलेगा। चल। दादाजी, मैंने बिना बताए शादी कर ली है, क्या करूं, मौका ही ऐसा था, गलती की है, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं मैं। हमें आशीर्वाद दीजिए दादाजी। सुनिए जी। क्या है? खाना तैयार हो गया है तो आप अपने माँ भाई भाभी दादाजी सबको बुला लीजिए। वो तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे बुलाऊं उन्हें? एक काम करो, तुम ही जाकर बुला लो। मैंने टेबल पर खाना लगा दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। इस घर में कौन किस लिए आया है, सभी अपना काम देखे तो सही रहेगा, बाकी लोगों को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप हमसे नाराज हैं मैं जानती हूँ, पर आप भूखे पेट क्यों रहेंगी, चलिए खाना खा लीजिए। हे भगवान, बकरी को देखकर कसाई कभी रोता है क्या? हम खाना खाए या ना खाए तुझे क्या पड़ी है, जाए यहाँ से। दादाजी, आप तो आकर खाना खा लीजिए। तुम्हारे पति ने बेइज्जती की और तुम उसे संभालने के लिए पीछे पीछे आ रही हो, एक बात कान खोल के सुन ले, समझी? तो समझदार के लिए इशारा काफी है।
अब क्या मैं कहूँ, अपनों के साथ रहूँ, एक दो बात तेरी मानी। मुझसे बड़े लोग सभी घर परिवार के हैं, सभी पढ़े लिखे बड़े ज्ञानी। काहे का गुस्सा, कैसी उलझन, तू इसमें ही क्यों है फंसी। इससे बाहर आ जा, मिल कर गाए, कौन से गुनाह की बोलो मुझको सजा दी है। मेरा बोलो क्या कसूर है, किसको बोलो भला, कौन मुझको चाहता है, मेरे आंसू कौन पूछे। कोई भी नहीं जिसको मैं कुछ कहूँ, होता है क्या किसको मैं कुछ बोलूँ। मन मेरी मांग पूरी होने दे, ओ अपनों से दूरी ना होने दे। कौन से गुनाह की बोलो मुझको सजा दी है, मेरा बोलो क्या कसूर है। कौन से गुनाह की बोलो मुझको सजा दी है, मेरा बोलो क्या कसूर है। भाई भाई भाई, एक पार्टी आई है। आज मूड अपसेट है, कल बुलाओ। क्या मूड अपसेट है, 1000 बोरी धान लाया हूँ। 1000 बोरी लाया है? हाँ। पार्टी कहाँ है? वहाँ है। बेवकूफ, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए 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 सब। हाँ, कहाँ से आए हैं साहब? पास वाले गांव से। पास वाले गांव में मिल नहीं है क्या, जो इस मिल में आए हैं? मैंने सभी मिलों में रेट पूछ लिया, लेकिन कोई हिसाब से बता ही नहीं रहा है। लेकिन आपके मिल में तो सही रेट है। सही कहा कि दुनिया गोल है, ये अमेरिका वालों ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। आपको क्या डाउट है मुझसे कहिए, मैं क्लियर करता हूँ। 1000 बोरी धान में से कितना चावल निकलेगा? 500 बोरी। और 500 बोरी में से? 250 बोरी। 100 बोरी से 50, 50 बोरी से 25, ये बात तो सभी जानते हैं। जरा हाथ आगे बढ़ाओ, ये कितना धान है? ये तो 2 धान है। 2 धान में से कितना चावल निकलेगा? 2 चावल निकलेगा। 2 धान में से 2 चावल निकलेगा, तो फिर 1000 बोरी धान में से 1000 बोरी चावल निकलना चाहिए, 500 बोरी धान में से 500 बोरी चावल निकलना चाहिए। क्यों भाई, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? धोखेबाज कहीं के? साहब, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया तो बताओ मुझे। आपका सवाल सही है भाई, आप हिसाब में फंस गए। हाँ, तुम कैलकुलेटर हो और ये तुम्हारा पोता है। सर, कृपया आप अपनी दोनों आँखें बंद कीजिए, अब एक आँख खोलिए और खोल कर बताइए कि ये मेरे हाथ में क्या है। चप्पल है। मैंने फूल कहा क्या? ये कितना चप्पल है? एक चप्पल है। हाँ, अब दोनों आँख खोलिए, अब बताइए कितना चप्पल है? एक ही चप्पल है। ये कैसे सर, आपको एक आँख से एक चप्पल दिखा था, अब दोनों आँख से देखने पर 2 चप्पल दिखना चाहिए था ना? नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा तो तुझे चप्पल से मारूंगा। क्यों रे, पास वाले गाँव में तू बहुत से मिल वालों को बेवकूफ बनाया ना कमीने। चल बता, कहाँ है तेरा धान? धान अभी जाके मुझे खेत खरीदना है। क्या? खेत खरीद कर धान बोना है। और सुन, मशीन स्टार्ट करो और इसका सर अंदर डालो। अरे बाप रे, सुनिए जी। क्या है? आप शहर जा रहे हैं ना? हाँ जा रहा हूँ। तो आप जाते वक्त माँ और भाई साहब से एक बार बात कर लीजिए। मेरी बात सुनने वाला आखिर इस घर में कौन है? हमारी शादी को 3 दिन हो गए, किसी ने मुझसे बात की क्या? तो फिर मैं उनसे क्यों बात करूंगा? वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो हमारे बड़े हैं, हम तो बात कर सकते हैं ना। ठीक है, मैं जाते वक्त उनसे बात करूँ, यही ना। दादाजी, मैं शहर जा रहा हूँ, अगर आपके लिए कुछ लाना हो तो बोलिए, लेकर आऊंगा। सुनो श्याम बिहारी, तुम वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, खेतों में पानी डाला कि नहीं बताओ मुझे।
मशीन का बेल्ट कट गया, शहर से आते समय ले आऊं क्या? बात मत करो, कोई इस घर में मुझसे बात मत करो, मैं आप लोगों से बात करने के काबिल नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं है। आप सब लोगों ने यही फैसला किया है ना, हाँ? आप लोगों को नहीं बोलना है तो मत बोलिए। दादाजी आपने तो कहा था कि अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, मैंने वही तो किया है। जिस लड़की से प्यार किया उसी से शादी की मैंने, इसमें क्या गलत है? उसके लिए आप मुझसे बात नहीं कर रहे? अगर पिता ना हो तो बड़ा भाई पिता के समान और भाभी माँ के समान होती है, मैं तो आज तक यही समझता था, लेकिन आपने भी फैसला कर लिया ना कि आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे और अलग कर दिया मुझे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। माँ बेटा हजार गलती करे, सारे लोग उसके खिलाफ हो जाए तो भी माँ उसका साथ देती है, क्या तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे? क्या तुमने भी मुझे अलग कर दिया? माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इस बात पे मुझे गर्व है, लेकिन तुम मुझे पाप समझती हो, ये बात आज मुझे समझ में आ गई। तुम भी बात मत करो, मत करो मुझसे बात। ये अपना घर छोड़कर हिम्मत करके मेरे साथ आई है क्योंकि मुझ पे भरोसा किया, मुझे भी आप पे भरोसा था, लेकिन आप लोगों की नजर में मेरी और मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं है ना। ठीक चल। ए, रुक राजा, तेरे दिल में जो बात थी उसे बताकर तूने खत्म कर दिया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन हम अपने दिल का दुख बताकर उसे खत्म नहीं कर सकते। वैसे तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं है राजा, सुन, इस घर में छेद करने वाले दुश्मन के घर से तुमने रिश्ता जोड़ लिया है। हमने सोचा था उस घर के दरवाजे पर हम कभी कदम नहीं रखेंगे, पर तुम उसी घर की लड़की से शादी करके दामाद बन गए, इसलिए हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ कहते नहीं बन रहा है। इसके बाद की सजा हम इस लड़की को नहीं दे सकते हैं, लेकिन तेरे पिताजी कैसे मरे थे ये बात हमसे भूला भी नहीं जाता राजा। दादाजी आप क्या कह रहे हैं? हाँ सही कह रहा हूँ, आज तेरे और तेरे भाई के सर पर बाप का साया नहीं है, इसका कारण कौन है जानता है तू? अपनी चिता को आग देने के लिए मैंने एक बेटा पैदा किया था, लेकिन उसी की चिता को अग्नि देकर आज मैं जिंदा खड़ा हूँ, इसका कारण कौन है जानता है तू? इधर देख, सिंदूर लगाकर हमेशा सजी रहने वाली तेरी माँ आज इस सफेद साड़ी में विधवा बन के खड़ी है, इसका कारण कौन है जानता है तू? तू जिससे प्यार करके शादी करके लाया है उसी का बाप कालिया राजन, वो तेरे पिताजी का अच्छा दोस्त था, लेकिन सांप की तरह दांत में जहर लेकर वो बड़ा बनने की आशा में घूमता है, ये बात तेरे पिताजी को नहीं पता थी। राजा तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया, जो दुश्मन की बेटी को अपने घर पे लेकर के आ गए, दुश्मन आखिर दुश्मन ही होता है, रिश्तेदार नहीं बन सकता। उसने चेयरमैन बनने के लिए मान मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा और तेरे पिताजी को बदनाम करने की साजिश रची। उसने तुम्हारे पिताजी को ये कहकर अपने घर बुलाया कि उसके घर में कुछ पारिवारिक समस्या चल रही है। सुनो भाई, काली राजन कहाँ है? बाहर गए हैं, अभी आएंगे, आपको अंदर बैठने के लिए कहा है। ठीक है, आप बाहर बैठेंगे तो साहब मुझे डांटेंगे, आप अंदर बैठिए। अच्छा ठीक है। भाई साहब आप गलत मत समझिए, काले राजन बाहर गए हैं तो नौकर ने कहा कि अंदर बैठिए, इसलिए यहाँ आ गया। वो तो बाहर गए हुए हैं, मैं जाके देखता हूँ। मैंने बोला था ना, लेकिन आप लोगों ने भरोसा नहीं किया। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे नौकर ने अंदर बैठने के लिए कहा था इसलिए गया था? रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहानी सुना रहा है? सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है तू? ये क्या कह रहे हो? सब पंचायत में बात करेंगे।
पाँच वर्षों से तुम चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हो, हम लोगों को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पंचायत की कार्रवाई शुरू करो। जी सरपंच जी, कारिया राजन की पत्नी का अवैध संबंध है या नहीं, इसका ही फैसला होना है। 10 साल से इस गांव के चेयरमैन रहने वाले बड़े ठाकुर पर कोई और इल्जाम लगाता तो हम यकीन नहीं करते, समझ गए ना? पर तुम्हारा पति खुद कह रहा है तो हमें यकीन करना पड़ेगा। आप बच्चों को कहां ले जा रहे हैं? ए, पंचायत में अगर तुझसे पूछा कि तेरा भाई ठाकुर के साथ कोई अवैध संबंध है तो हाँ बोलना, मना किया तो तेरे इन बच्चों को बिना सोचे समझे जान से मार दूंगा। तू समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो चुप्पी साधने से कोई काम नहीं चलेगा, साफ साफ बताओ संबंध है या नहीं। हाँ है। अरे तू कैसे इंसान हो, तुम्हें इस चेयरमैन की कुर्सी की क्या जरूरत है? मैं इसे बहुत अच्छा आदमी समझ रहा था, इस तरह दूसरों की पत्नी के साथ संबंध रखने वालों को चप्पल से मारना चाहिए। दादाजी, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है दादाजी, मैंने आपके बेटे पर गलत इल्जाम लगाया है, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, माफी मांगने से क्या फायदा? ये बात तुम्हें वहाँ कहनी थी, यहाँ क्यों बता रही हो? अगर मैं वैसा नहीं करती तो वो मेरे बच्चों को मार देता। अपने बच्चों को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, अपनी इज्जत खोने का झूठ मुझे बोलना पड़ा। तुम्हारी जगह अगर कोई भी माँ होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, लेकिन अपने बेटे के बारे में मैं और मेरी बहू अच्छी तरह से जानते हैं। उसका मन माँ के दूध की तरह बिल्कुल साफ है, भगवान अगर चाहे तो भी इल्जाम नहीं लगा सकते। जाओ यहाँ से। दादाजी आप अपने बेटे को बुलाइए, मैं एक बार उनसे माफी मांगूंगी तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। पंचायत से अभी तक घर नहीं आए हैं, उनके आते ही मैं उनको बता दूंगी। बहन तुम घर जाओ। साहब जी, ठाकुर साहब ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पापी कपड़े इज्जत बचाने के लिए पहनते थे और कंधों पर गमछा मान मर्यादा के लिए ऐसे जिंदगी जीते थे, और तुमने मुझे हथियार बनाकर उन्हें मरवा दिया, ऐसा क्यों किया? अब मैं चुप नहीं रहूंगी, पूरे गांव वालों को जाके सब सच बता दूंगी। ए, कहां जा रही है? मैं चेयरमैन बनने वाला हूँ, ये तुझे पसंद नहीं? पसंद है। पति हमेशा बगल में रहे, उससे ज्यादा गर्व पत्नी को तब होता है जब उसका पति अच्छी पोस्ट पे हो, ये सब तुझे क्या पता? एक काम करता हूँ, भाई ठाकुर के पास तुझे भी भेज देता हूँ, फिर मेरी कही हुई बात पूरे गांव में सच बनकर हमेशा गूंजती रहेगी। देखा, अवैध संबंध की बात सबको पता चली तो दोनों ने शर्म से खुदकुशी कर ली। आलिया राजन की बात सही निकली।
क्यों जीजा जी बिना बताए ही ससुराल आ गए? कुछ दहेज में चाहिए क्या? पिताजी तो घर पे नहीं है, लेकिन आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। बस मुझे तेरे बाप की मौत का इंतजार है। अरे कैसा मजाक कर रहे हैं आप? शांत नहीं हुआ? कालिया राजन का सर काटकर जिस दिन दादाजी के पैरों में रखूंगा उसी दिन मेरा गुस्सा शांत होगा। अगर मेरे पिताजी मर गए तो क्या इस परिवार की खोई खुशी वापस आ जाएगी या फिर आपके पिताजी वापस आ जाएंगे? तुम्हारे पिताजी मरने वाले हैं इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, कत्ल करके मेरा पति जेल चला जाएगा इसलिए ऐसा कह रही हूँ। जेल जाने की चिंता नहीं है, बस तुम्हारे पिता को मौत के घाट उतारना है, तभी मेरे मन की ज्वाला शांत होगी। आपका जो गुस्सा और नाराजगी है वो तो जायज है, पर मेरी सारी दौलत सारी खुशी आप हैं, उसे मैं खोना नहीं चाहती। मेरे पिताजी के पाप की वजह से मेरी माँ को मैंने खो दिया, वापस उसी पाप की वजह से मैं अपने मंगलसूत्र को खोना नहीं चाहती। मुझे बस इसी बात का डर लगा रहता है। अपने पति को बचाने के लिए एक औरत भगवान से भी लड़ जाती है, किसी से भी भीख मांग सकती है, लेकिन मैं तो अपने पति से ही अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ। मुझे अनाथ मत बनाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मेरी बात मान लीजिए। Huh?
ए, इससे पहले तू कभी धान कूटते हुए कभी देखा नहीं है क्या? देखा है भाई, ये धान कूटने का धान तुम आवाज ओखली से आ रही है या मूसल से आ रही है यही सोच रहा था। स्टॉप, मेरी शक्ल देख के वन मोर रिपीट। धान कूटने के वक्त धान धूम की आवाज मूसल से आ रही है या ओखली से यही सोच रहा था। मुझे मारा क्यों? अभी मैंने तुझे मारा तो पटाख की आवाज आई, वो मेरे हाथ की आवाज थी या तेरे गाल की आवाज थी? इस तरह पागलों वाला सवाल किया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। आप मेरा सर फोड़ सकते हो, यही सोचकर मैंने 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया है। मेरे जान की कीमत 2 लाख। 2 लाख? यस। स्टार्ट गम। सुन मोटू, वो जो इंश्योरेंस के 2 लाख हैं, वो तुम्हें मरने के बाद ही इंश्योरेंस के पैसे मिल पाएंगे, वो तेरे काम नहीं आएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी पत्नी के काम आएगा। वो मोटी औरत पत्नी है क्या? उसका पैर भी तुझ पर पड़ जाए तो तू चिल्लाने लगेगा। तू जिंदा है अभी वो तेरी इज्जत नहीं करती, तुझे ऐसे खाना खिलाती है जैसे कुत्ते को खाना खिलाया जा रहा हो। हाँ भाई, वो मेरी इज्जत नहीं करती है तो उसे पैसे नहीं मिलने चाहिए। आप कोई आइडिया दीजिए। समझ गया, तुम मरना भी नहीं चाहता और रुपयों से मजा भी करना चाहते हो। ये कैसे हो सकता है? तुम मरने का नाटक करो, तभी गांव वालों को और इंश्योरेंस वालों को मैं फंसाता हूँ अपने जाल में। आप फंसाएंगे पर मुझे तो गाड़ दिया जाएगा ना। अरे तुम मर जाओ, मुझे क्या पड़ी है? ए, तू 10 मिनट सांस रोक के लेट जाना, फिर मैं उन्हें वहाँ से भगा कर तुम्हें वापस जमीन से निकाल लूंगा। अच्छा आइडिया है, हाथ मिलाओ। भाई ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आप 10 मिनट में निकाल लोगे ना? हाँ निकाल लूंगा, पर 20 मिनट भी हो सकता है। आप मजाक कर रहे हो। मजाक क्यों करूंगा, अधिकारियों के बाहर जाने तक जमीन पर मैं फावड़ा कैसे चलाऊंगा? है मरना है तो मरो, नहीं छोड़ो। बुरा मत मानो भाई, मेरी बात सुनो। 10 मिनट भी होगा, 20 मिनट भी हो सकता है, अधिकारियों से बात करना पड़ेगा। तुम कर पाओगे? कर सकता हूँ भाई। हाँ, जब तू बाहर निकलेगा तो 2 लाख में से 50-50, 1 लाख तेरे लिए और 1 लाख मेरे लिए, और मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। और मैं अफ्रीका में सेटल हो जाना। तब मैं कब मरूं? अगले हफ्ते हम आओ से, शुक्रवार का दिन भी शुभ है, उस दिन मर जा। ओके ओके डन। बढ़िया से एक्टिंग करके रुलाई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। भैया सुनो भैया। बोलो मेरी बहन, बोलो। मेरे पति सीने में दर्द होने की वजह से मर गए, उनका इंश्योरेंस किया हुआ पैसा मेरे हाथ कब आएगा भैया? तुमने सही सवाल किया, जब हम इसे जमीन के अंदर गाड़ेंगे उसके बाद ये बाहर आएगा। मेरी बहन, वो 2 लाख रुपया लेकर आप क्या करेंगी? मेरे पति बार बार कहते थे कि उनके मरने के बाद एक बूंद आंसू नहीं निकलना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति और खुशी के लिए मैं दूसरी शादी कर लूंगी। मोटू तू सुन रहा है ना, दूसरा पति ढूंढ कर जिंदगी बिताएगी, यही है इसका प्यार, इसी को तू 2 लाख रुपया देना चाहता था। एक पैसा नहीं मिलना चाहिए, मेरा मन कर रहा है उसे जान से मार दूं। तू सबके लिए मरा हुआ है, भूल मत। ए, मैं देख रहा हूँ लाश के पास तुम इधर उधर कब से घूम रहे हो, कौन हो तुम? इसका साला हूँ। ये डेड बॉडी है, कचरा पेटी नहीं, समझे क्या? और नहीं तो क्या, 2 साल पहले इसने क्या किया था पता है तुम्हें? इसने मुझे एक दिन झापड़ मारा था, मैं तो इसे तभी मार देता लेकिन मेरी बहन विधवा हो जाए इसलिए चुप रहा। अब तो ये मर गया है, मैं इसे यहाँ मारूंगा, वहाँ मारूंगा, यहाँ पर भी मारूंगा। अरे तुम इससे बदला ले रहे हो, लगता है सारा प्लान चौपट कर देगा। अबे मोटू, अब समझ में आया तूने अपना लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाया। ए, शमशान जाने को तैयार हो ना, तो चलो, देर किस बात की? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कौन हो भाई? मैं इसका दूसरा साला। तुम्हें भी कोई बदला लेना बाकी? हाँ, है बाकी है, इसकी शादी में मैंने 1 तोले की अंगूठी दी थी, वो ले लेता हूँ। अच्छी बात है, ले लो भाई। क्या हुआ? नहीं निकल रही है। उंगली काट के निकाल लो ना। सही कहा। हाँ भाई, क्या है? अब मेरा साथ दे रहे हो क्यों उन लोगों का? ए, उंगली चली गई तो कोई बात नहीं, 2 लाख आ रहे हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे, दर्द नहीं होगा। आप खुद से अंगूठी उसे दे दो। अब वो आया है, तेरा उंगली काटे बिना अंगूठी के जाएगा नहीं। ए, ए, अपनी अंगूठी। अरे ये कैसे निकली? खुद निकाल के दे दिया। क्या? ए, मैंने निकाला है। ए, तुम्हें अंगूठी चाहिए? मिल गई ना अंगूठी, चलो जाओ। ए, ठीक है भाई।
अर्जी उठाओ। स्वामी उठाइए। भैया जरा आराम से जलाइएगा। बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब दूसरा पति ढूंढने की तैयारी में लग जाओ। ठीक है भाई। हाँ शुभ समय है, मुर्जे को ले जाकर के जला दो। अरे रुको भाई रुको। तुम कौन हो भाई? मैं इनका रिश्तेदार हूँ। तो ये पेट्रोल क्यों लाए हो? हमारे यहाँ मुर्दे को पेट्रोल से जलाते हैं। तो जला दो। ठीक है। अरे नहीं रुको, कहाँ है वो साला? इधर आ। तुम्हारे परिवार में जलाते हैं या दफनाते हैं? दफनाते हैं। जलाते हैं। दफनाते हैं। जलाते हैं। दफनाते हैं। अरे जलाते हैं। दफनाते हैं। जलाते हैं ना। चुप हो जाओ। चलो दफनाना है कहने वाले हाथ ऊपर उठाओ। चलो नीचे करो, अब जलाने वाले हाथ ऊपर उठाओ। ए मेजोरिटी कम है, तुम अकेले हो। जाते हैं दूं अभी। भाग यहां से, लाश को अंदर डालो भाई। जल्दी करो जल्दी करो। कौन हो भाई, आप जलाने वाले हो या दफनाने वाले हो? इंश्योरेंस वाले आए हैं, 2,00,000 रुपया आ गया है भाई। आइए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए आइए आइए। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। आप लोग LIC से हैं ना? जी हाँ। 2,00,000 रुपए लाए हैं ना? लाया हूँ सर। इस मरे हुए मोटू का मैं सब कुछ हूँ, वो 2,00,000 रुपए मेरे हाथ में दे दीजिए। लेकिन इनकी मौत पर मुझे शक हो रहा है। क्या कहते हैं, इस मरे हुए मोटू को उठा करके आप पूछिए। क्या? बॉडी चेक कीजिए, ये कह रहा हूँ मैं। पोस्टमार्टम के लिए ही आए हैं। पोस्टमार्टम? इसके 2-3 टुकड़े कर देंगे। आप काट के तुरंत पैसे दे देंगे ना? हाँ जी दे दूंगा। आप काटना शुरू कीजिए, मैं अभी आता हूँ। नहीं क्या जा रहे हो, मैं बना नहीं हूँ। अरे भागो भागो भागो। बहू तुम क्या कर रही हो? दादाजी बाल बना रही हूँ। ये कैसे बाल बना रही हो? बाल कैसे बनाया जाता है तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ए चलो हटो। सब खराब कर दिया, सब खराब कर दिया। बाल ऐसे बनाते हैं क्या? फिर कैसे बनाते हैं? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ तो ढूंढ रहा हूँ। बाल बनाने के लिए कंघी की जरूरत पड़ती है, जानते हैं ना? जानता हूँ जानता हूँ। तुम रखोगी तो कैसे बाल बनाऊँ? दादाजी आप बाल बनाना कैसे जानते हैं? कैसी बात कर रही हो, उस जमाने में मेरी पत्नी मेरे बाल बनाती थी और मैं उसके बाल बनाता था। हमारा वक्त कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। दादाजी हमने सुना है घर का सारा काम आप ही करते थे। साबुन भी लगाता था। अगर मैं अपनी पत्नी को साबुन नहीं लगाऊंगा तो और कौन लगाएगा? ये लो पहना दो। ये लीजिए। बाकी के फूल कहाँ है, तुमने लगाया है कि नहीं? नहीं लगाया कोई बात नहीं, चलो इधर दो। शाबाश। कैसा है? ठीक है। अच्छा है ना? ए इधर आना, तुम्हें गए हुए बहुत देर हो गई। सामान लाने में वक्त तो लगता है ना? बातें मत करो, जाओ जाके कार को सजा दो, जाओ। दादाजी आज हमारे घर में कोई फंक्शन है क्या? तुमने नहीं बताया क्या? वो तो मैं अभी बताने ही वाली थी। अभी बताओगी? अरे रे गले में सिर्फ चेन ही पहनाया है। इसने कहा था कि चेन ही बोल दिया और तुम मान गई। ये तो बच्ची है क्या जानती है, तुम भी ना। रुको अभी आता हूँ मैं। क्या कह रहे दादाजी? पहले तू जा। भाभी आप लोग तैयार हो ना, मैं जीप लेकर आता हूँ। जीप से जाने की क्या जरूरत है, बाइक से चले जाओ। अरे क्या हो गया, आप लोग मंदिर नहीं चलेंगे क्या? हम नहीं जाएंगे। क्यों? वो नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्यों नहीं बता सकती, इसका जवाब अपनी पत्नी से पूछ लेना। दीदी आपने मुझे कब बताया और कब कहा? वो क्या है ना कि तुम लोग मंदिर जाओगे तो घर पे कोई रहना चाहिए ना। लेकिन आपके बिना मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अरे सुनो तो, तुम लोग मंदिर जाओ, मुझे यहाँ बहुत सारे काम है। क्या काम है दीदी? हाँ? अरे बहुत सारे काम है मुझे। बताओ ना क्या काम है। लगता है बताना ही पड़ेगा। समझ गई? क्या समझ गई? दादाजी वो मोटर बाइक। ये लो सारे जेवर, तुम इसको पहना दो, जाओ। क्या सारे जेवर, आजकल ये कौन पहन के जाता है? लेकिन आपके लिए ये पहना देती हूँ, ठीक है? ये हार है क्या? पहनाओ पहनाओ। अरे वाह बहुत बढ़िया, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। अरे आवाज
आवाज कैसी है? अरे वहाँ कोई गिर गया क्या? अरे कोई भी नहीं गिरा दादाजी, खाट का एक पाया टूट गया था, बस इतनी सी बात है। क्या बोला? खाट का एक पाया टूट गया? आप क्या करें दादाजी, तेरे पास दो पैर है ना, एक पैर तोड़कर वहाँ लगा। अरे क्या पैर पैर चिल्ला रहे हो, मोटर बाइक रेडी? मोटर बाइक रेडी, जल्दबाजी मत करो, इधर आओ, इधर आओ, इधर दीजिए। तुम लोग जब शादी करके इस घर में आए थे तब दादा से आशीर्वाद नहीं ले पाए थे, अभी आशीर्वाद देता हूं। चलो अंदर आओ। मंदिर में जा, संभाल के जाना। ये बताओ, घर से निकलते समय भाभी ने तुमसे कुछ कहा था? तुमने कहा पूजा के बाद बताऊंगी, बताओ ना। मैं घर जाकर बताऊंगी। बताती हो या नहीं प्रिया? मुझे शर्म आ रही है। बताओ ना। आज आपकी और मेरी फर्स्ट नाइट है।
मंदिर में पूजा करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे देवर ने मेरी बहन को मंगलसूत्र पहनाया, तो उसके बदले में मुझे मंगलसूत्र नहीं लेना चाहिए। बताओ मुझे, अगर लड़की को मंगलसूत्र पहनाया जाए तो वो सुमंगल शादी है, अगर मंगलसूत्र उतार लिया जाए तो वो अमंगल शादी है। अभी इसी वक्त मैं तुमसे अमंगल शादी करूंगा। देख तेरे लिए क्या क्या दहेज लाया हूँ। तू एक औरत से मर्दानगी दिखा रहा है। अगर तू असली मर्द है तो यही बात मेरे देवर राजा के सामने बोलकर बता। ए, अपना मुंह बंद कर। अब देख, शुभ मुहूर्त निकलने से पहले चाकू से मंगलसूत्र काट कर चुपचाप सफेद साड़ी पहन ले। मैं खुद मंगलसूत्र काट कर सफेद साड़ी पहनाऊं क्या? दूसरों की पत्नी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर लगता है मुझे ये मजबूरन करना पड़ेगा। छोड़ 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 मुझे कमीने, छोड़ नहीं। तू रुक, हमें भागती है। छोड़ मुझे। नहीं, छोड़ मुझे। अब मेरी बात सुन, मैं यहाँ तेरी इज्जत लूटने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू विधवा बने,
मेरी दी हुई ये सफेद साड़ी पहनकर तू विधवा बन जा, नहीं तो मुझे खुद अंदर आकर तुम्हें साड़ी पहनानी होगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं ये साड़ी पहनती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ तुम्हें? बताओ बताओ, ये हालत तुम्हारी किसने कर दी? उस कालिया के बेटे ने मेरा ये हाल किया है। सुनिए सुनिए, आप अपने हाथ से मेरे मांग में सिंदूर लगा दीजिए, मुझे अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम चिंता मत करो, सफेद साड़ी पहनोगी तो विधवा नहीं हो जाओगी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना, अभी मैं मरा नहीं हूँ। अब सुन, मुझ पर तू कोई इल्जाम मत लगा। मैंने वहीं पर कहा था ना कि मंगलसूत्र उतार कर दे दे, पर तूने तो देने से मना कर दिया। मैंने तो सोचा था कि तेरे पति के जिंदा रहते ही तुझसे मंगलसूत्र छीन लूं, लेकिन तू तो मंगलसूत्र दिए बिना ही अपने पति के पास भाग के आ गई और मजबूरन इसे मारना पड़ा। Yeah!
दीदी, दीदी क्या हुआ? बताइए ना दीदी, क्या हुआ? उसका लिया राजन ने तेरे परिवार को खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया। Oh!
गाड़ी रोको, नीचे उतरो। देख रहे हो, ये दोनों के दोनों आतंकवादी हैं। मैं इन्हें पकड़ने आया था और इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने खुद को बचाने के लिए इन्हें मार दिया। ऐसी FIR बनाऊंगा। कानून की नजर में तुम अपराधी हो सकते हो, पर मेरी नजर में तुम बेगुनाह हो। अपने देश की आजादी के लिए अनेकों क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार से लड़ गए थे, इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। इन गांव वालों को सच्चाई के साथ लड़कर इस कमीने कालिया राजन से आजादी दिलाने वाले इस राजा ठाकुर को मैं फांसी पर लटकने नहीं दूंगा।
अब तुम जा सकते हो। On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.